जय श्री कृष्ण। हाय हेलो, किम छो? मजा मा। मैं हूँ वृंदा वैस और आप देख रहे हैं वृंदास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बटर डोसा बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार चाहिए। ये मैंने 3 कटोरी चावल लिए हैं, ये 1 कटोरी उड़द की दाल है और ये 1 चम्मच मेथी है। हमें इस सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके धोकर 7 से 8 घंटे भिगो देना है। आप देख सकते हो कि इसे 7-8 घंटे हो चुके हैं और ये इतना अच्छे से फूल गया है। और अब हम इसकी फाइन पेस्ट बना लेते हैं। हमने इसे मिक्सी में डालकर इसकी फाइन पेस्ट बना ली है। हमें इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। और हाँ, एक और बात कि ये जो पानी आपने जिसमें भिगाया हो वो पानी फेंकना नहीं है, वो पानी ऐड करके इसकी पेस्ट बनाइए ताकि इसका फॉर्मेंटेशन एकदम अच्छे से आए। मैं इसे ढककर 6 से 7 घंटे फॉर्मेंटेशन के लिए रख रही हूँ। 7 घंटे हो चुके हैं, अब हम देखते हैं इसका फर्मेंटेशन कैसा आया है। वाह, इसका फर्मेंटेशन एकदम अच्छे से आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। ये मैं अपने स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ। हमारे डोसे का बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम बनाते हैं बटर डोसा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक तवे पर बैटर ऐड कर देंगे और इसका अच्छे से डोसा बना लेंगे। आप देख सकते हो कि इसकी बॉर्डर ब्राउन हो चुकी है, अब हम इस पर बटर ऐड करेंगे। और फिर इसे अच्छे से फैला देंगे। अब हमारा डोसा एकदम क्रिस्पी बन गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारा क्रिस्पी बटर डोसा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और हाँ, बाजू में रखे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।